पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने तोड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड। क्रिकेट जगत में मच गई उथल पुथल। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी हसन अली को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू वेड का कैच छोड़ने के कारण पाकिस्तान में विलेन बने हसन अली बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में हीरो साबित हुए हैं। उन्होंने मैच में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। इस मैच के दौरान हसन ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अख्तर ने 2003 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, लेकिन हसन ने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में हुए पहले टी20 में बांग्लादेशी बल्लेबाज नजमुल हसन सांतो को सबसे तेज 219 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद की है। फैंस भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई गेंद की रफ्तार से हैरान है। बाद में यह साफ हुआ कि स्पीड गन की खराबी के कारण ऐसा हुआ है। फैंस भी स्पीड गन की गलती को समझ गए और मजेदार रिएक्शन दिए। हसन अली पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज अख्तर का सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम की पहली जीत के हीरो जरूर साबित हुए हैं। उन्होंने मैच के 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरे लिए यह पुरस्कार जीतना दुखद पल है। टी20 वर्ल्ड कप में मेरा प्रदर्शन ठीक नहीं था। एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर उतार चढ़ाव आते हैं। मैं यहाँ बीपीएल भी खेल चुका हूँ। आमतौर पर यह धीमी पिच होती है। जितना आप स्टंप में विविधताओं के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।